वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और गाड़ी है हमारे पास मारुति सुजुकी की अर्टिगा 2014 मॉडल। और गाड़ी में जो कस्टमर की कंप्लेंट है कि इसका जो मीटर है स्पीड वाला, ये मीटर काम नहीं कर रहा है और गाड़ी में एबीएस है। तो गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं। और गाड़ी में फ्रेंड मैंने जैक लगा लिया है ऑलरेडी पहले से, तो ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो गाड़ी का गियर लगाते हैं, ये दूसरा गियर लगा लिया गाड़ी में, तो इसका मीटर चलने चाहिए। ये क्लिच छोड़ दी है, ये क्लिच छोड़ दी है और आरपीएम देख सकते हो, मगर इसका स्पीड मीटर जो है स्पीड मीटर नहीं उठ रहा है। स्पीड मीटर उठना चाहिए, स्पीड मीटर नहीं उठ रहा है। तो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाड़ी क्लिच दबा के न्यूट्रल करते हैं, क्योंकि गाड़ी में कंपनी ने स्पीड मीटर का जो सेंसर होता है, व्हीकल स्पीड वाला सेंसर जो होता है, इस गाड़ी में दिया है। एबीएस भी दिया है और स्पीड सेंसर का सेंसर भी दिया है। तो सबसे पहले सेंसर की सप्लाई चेक करेंगे, सेंसर में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, और सेंसर भी बताएंगे सेंसर कैसे चेक करते हैं। तो चलते हैं इंजन में, गाड़ी को बंद करते हैं और चाबी ऑन पोजिशन पर करते हैं। चाबी ऑन हो चुकी है, तो चलते हैं अब इंजन में। सबसे पहले सेंसर की वायरिंग में सप्लाई चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो एबीएस सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर जो होता है वो अंदर की साइड लगा है। तो सेंसर को सबसे पहले बाहर खुलवा कर उसकी वायरिंग में सप्लाई चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स सेंसर स्पीड वाला जो है इसका खुल के आ चुका है। कंपनी ने इसमें दोनों सिस्टम दिए, एबीएस और स्पीड सेंसर। तो ये रहा हमारा सेंसर, अभी इसको चेक करेंगे। सबसे पहले कपलर में इसको सप्लाई चेक करते हैं, वो रहा कपलर हमारा। तो मल्टीमीटर लगाते हैं, तो मल्टीमीटर को 12 वोल्ट डीसी पे लगाना है। 12 वोल्ट डीसी पे लगाने के बाद में एक पिन को ग्राउंड में और एक पिन लगाएंगे इसमें। इसमें जो कलर कोड है फ्रेंड्स, इसमें एक ब्लू कलर का वायर है, नीचे को दिखा थोड़ा, एक इसमें ब्लू कलर का वायर है और एक इसमें है ग्रे कलर और एक है इसमें बैगनी कलर। तो सबसे पहले ब्लू वाले में देखते हैं। तो फ्रेंड मल्टीमीटर में आप देख सकते हो, इसमें जो ब्लू कलर का वायर है इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, 12 वोल्ट सप्लाई इसमें आ रही है ब्लू कलर में। अब इसका जो ग्रे कलर का वायर है वो लगा है बीच में और इसका जो बैगनी कलर है वो लगा है लास्ट में। तो अब इसका जो लास्ट वाले वायर में सप्लाई चेक करते हैं, ये रहा लास्ट वाला वायर। तो इसमें फ्रेंड देख सकते हो 10 वोल्ट के समथिंग में इसमें वोल्टेज आ रहा है, 11 वोल्ट के समथिंग में इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये हमारा जो वायर है ये सिग्नल का है, और बैगनी कलर जो सिग्नल का है और ब्लू कलर है 12 वोल्ट सप्लाई का, और जो बीच में जो होता है ये हमारा ग्राउंड है। अभी इसमें 0-0 है, जब इसको गर्म पे लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट सप्लाई आ गई। तो इसमें सप्लाई जो हमारी सेंसर में आती है ओके है सप्लाई। तो अब इसका सेंसर चेक करते हैं, ये सेंसर हमारा सही है या खराब है। तो फ्रेंड्स ये सेंसर रहा हमारा, इसका ये पार्ट नंबर रहा, सेम पार्ट नंबर का नंबर है इसका, सेम पार्ट नंबर है। और ये पुराना वाला सेंसर है, तो ये पुराना सेंसर, ये न्यू सेंसर। तो दोनों सेंसरों को एक साथ और एक साइज में बांधते हैं। अब इसमें सप्लाई चेक करते हैं, मल्टीमीटर को 200 के पे सेट करेंगे, या फिर चाहो तो कनेक्टिविटी भी सेट कर लो। तो 200 के पे सेट करते हैं मल्टीमीटर को। तो लास्ट वाला जो सेंसर हमारा, पहले नंबर की जो पिन है, पहले नंबर की जो पिन है इस पे लगाते हैं दूसरे पे, तो इसमें फ्रेंड कुछ नहीं आ रहा है, इसमें 0-0 दिखा रहा है। तो तीसरी पिन पे लगाते हैं तो इसमें 512 दिखा रहा है। और ये रहा हमारा नया वाला सेंसर, तो इसका पहले वाले में लगाते हैं और बीच वाले में लगाते हैं, तो इसमें फ्रेंड देख सकते हो रीडिंग चेंज है इसमें रीडिंग। और दूसरे वाले में लगाते हैं इसके तीसरे में, तो तीसरे में फ्रेंड्स कुछ नहीं है। यही मल्टीमीटर को इस तरीके से पलटना है, प्रोकोस की जो है पिन को पलटना है। तो अब पुराने वाले सेंसर में चलते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो आप 0-0 कुछ नहीं है, पहले में कुछ नहीं है और दूसरे में भी कुछ नहीं है। पास से देखो,
इसमें पिन में, इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है। तो अब ये नए वाले सेंसर में लगाते हैं, ये नए पहले में और दूसरे में। तो फ्रेंड्स में देख सकते हो मल्टीमीटर में रीडिंग चेंज हो चुकी है, और उसके तीसरे में लगाते हैं तो इसमें कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा सेंसर है नया वाला सेंसर, ये सही है और ये सेंसर खराब है। तो सेंसर को नया लगाते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही थी वो सॉल्व होती है या नहीं होती है, चलते हैं। तो फ्रेंड्स सेंसर जो था इसका चेंज करा दिया है, और ये रहा हमारा पुराना सेंसर गाड़ी का। तो अब अंदर चल के देखते हैं जो स्पीड कांटा है गाड़ी का उठा या नहीं उठा। तो फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और चाबी स्विच हमारा ऑन है, तो ऑफ करते हैं गाड़ी को, ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं और गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं। तो गाड़ी ये स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी स्टार्ट है हमारी। तो अब गाड़ी में गियर डालते हैं, क्लिच दबा लिए और ये दूसरा गियर, ये दूसरा गियर डल चुका है। तो गाड़ी की क्लिच जैसे ही छोड़ेंगे, ये गाड़ी की क्लिच छोड़ दी पूरी, और फ्रंट मीटर में आप देख सकते हो इसका जो स्पीड मीटर का जो कांटा है ये काम करने लगा, ये काम करने लगा, क्योंकि गाड़ी गियर पे है। तो काम हमारा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड इसमें जो ABS की लाइट है, ABS की लाइट भी आ रही है, मगर इससे कोई मतलब नहीं है। स्पीड मीटर जो है हमारा वो काम कर रहा है। तो